वेलकम बैक टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज का जो वीडियो है वो है DIY पार्ट 2। टाइटल से देखिए आपको समझ में आ गया होगा। आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस वीडियो का तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगी और यहाँ पर कहीं आई बटन आएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगी। तो एज यू ऑल नो, जो लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे होंगे उनको ये चीज पता होगा कि मैंने कभी भी अपने हैबिट्स में या अपने रूटीन में बुक्स रीडिंग करके कोई कभी भी ये चीज नहीं आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो मुझे बुक्स पढ़ना जनरली बहुत पसंद नहीं है, बट मैं जब भी यू नो हाईली इफेक्टिव पीपल के हैबिट्स देखती हूँ या ऐसी कुछ चीज़ें देखती हूँ तो उसमें रीडिंग ऑफ बुक हमेशा मेंशन होता है। तो मैंने बहुत बार ट्राई करा है करना कि मैं, क्योंकि एक अच्छी हैबिट है, आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है बुक्स पढ़ने से। मैंने बहुत सारी बार ट्राई किया बुक्स पढ़ने का, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस प्रोसेस को इन्जॉय नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बुक पढ़ के एक जगह बैठूँ, मतलब वो जो शांति से बैठना होता है एक घंटा, उससे बैठते मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ क्रिएटिव काम कर लूँ। सो आई लिटरली डोंट एंजॉय रीडिंग अ बुक। सो रिसेंटली मुझे एक बहुत ही अमेजिंग सा ऐप के बारे में पता चला है जिसका नाम है स्टोरी टेल ऐप। इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को, जैसे अगर आप मेरे टाइप के, आपको टाइम नहीं मिल पाता है बुक्स रीड करने का, तो आप वही बुक्स सुन सकते हैं अपना दूसरा काम करते हुए। इस ऐप में 1,00,000 से भी ज्यादा बुक्स अवेलेबल है। इस बुक में कुछ बहुत ही अमेजिंग से फीचर्स हैं जिनको सुन के आपको मजा ही आ जाएगा। सबसे पहला फीचर ये आता है, जैसे सपोज आपको कुछ बुक ऐसी होती है जो आपको स्लो पेस पे सुनना पसंद है या आपको फास्ट स्पीड में सुनना पसंद है, लाइक फटाफट 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 वाला, तो आप इसमें अपना जो सेटिंग्स है, मतलब आप इसकी स्पीड कम भी कर सकते हैं, आप इसकी स्पीड ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्क्रीन शॉट चला दूंगी तो आपको समझ में आएगा कि आप स्लो पेस में भी सुन सकते हैं और आप फास्ट में भी सुन सकते हैं। उसके बाद आप इस बुक को ऑफलाइन सेव कर सकते हैं। आप अपनी पसंद की बुक्स ऑफलाइन सेव कर लीजिए, जब भी आपका मन हो तब आप बस हेडफोन लगाइए और अपनी बुक सुन लीजिए। आप स्लीप टाइमर लगा सकते हैं, मतलब आप 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट, 5 मिनट, आप किसी भी टाइम पे स्लीप टाइमर लगा सकते हैं। आप इसमें बुक मार्क्स भी ऐड कर सकते हैं एडिशनल। इसके अंदर किड्स मोड भी अवेलेबल है, तो जिस तरह की बच्चा बुक पढ़ रहा होगा उसको रिकमेंडेशंस भी उसी तरह की बुक्स का आएगा। स्टोरी टेल ऐप में आप अपने पॉपुलर ऑथर की बुक्स रीड कर सकते हैं। एक और मजेदार बात इसमें यह है कि जो आप बुक्स रीड करते हैं इसको जो नरेट करते हैं उसमें काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि इन बुक्स को नरेट करते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली वो बुक्स का नरेशन करते हैं कि आपको सुनने में बहुत मजा आता है। तो आप अपने हाउस होल्ड चोर्स करते टाइम, जैसे जनरली आई डोंट लाइक कुकिंग करना, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इधर मैं वीडियो देखती हूँ या फिर मैं म्यूजिक सुनती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, कुकिंग करती हूँ एंड साथ ही साथ बुक्स सुनती हूँ। तो यू नो मेरी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं मल्टीटास्किंग करने लगी हूँ। चाहे तो मैं मेकअप करना होता है, जैसे सपोज वीडियो शूटिंग के लिए मेकअप के लिए रेडी होना है तो मैं अपने कान में एयरपॉड्स डालती हूँ और मेकअप करती जाती हूँ एंड साथ ही साथ बुक्स रीड करती जाती हूँ। तो ये काफ़ी मल्टीटास्किंग चीज़ है। तो बेसिकली जो स्टोरी टेल है ये एक मंथली स्ट्रीमिंग ऐप है। इसमें पेमेंट का ऑप्शन होता है, इसमें दो पेमेंट के ऑप्शन है, 1 मंथ का 299 का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर आप 3 मंथ्स का ले सकते हैं। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, आप जितनी चाहे उतनी बुक सुन सकते हैं एंड साथ ही साथ सेव कर सकते हैं। हार्ड कॉपीज बुक से तो ये बहुत ही ज्यादा सस्ता है, आप तरह से आप पेपर्स भी वेस्ट नहीं करोगे और कहीं ना कहीं आप एनवायरमेंट को भी हेल्प कर रहे हो। अगर आपको ये बुक का सब्सक्रिप्शन परचेस करना है या आपको ट्राई करना है तो लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे एंड आप ट्राई करना चाहेंगे तो आपको 30 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल मिलेगा, एंड यूजुअली अगर आप ट्राई करते हैं तो 14 डेज का ट्रायल पीरियड मिलता है, बट इस लिंक के थ्रू आपको 30 डेज का ट्रायल पीरियड मिलेगा। तो मेक श्योर कि इसका फायदा जरूर उठाएं। अब आते हैं हमारे DIY पर। अभी मैं 3 और DIYs आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे फर्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पर सीमेंट को प्रॉपरली ऐसे घोला है एंड इसका हमको बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाना है। जब तक विक्की ये काम कर रहा है, मैं यहाँ पर एक थाली लिया है मैंने और उसके ऊपर अच्छे से ऑयलिंग कर रही हूँ। कोई सा भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल लिया है एंड जो दूसरी थाली है उसके बैक पर भी मैं यहाँ पर ऑयलिंग कर रही हूँ। आपको सीमेंट इस तरह से पेस्ट बनाना है कि उसमें कोई भी लम्ब्स नहीं रहना चाहिए। अभी इस पूरे सीमेंट के पेस्ट को मैंने इस थाली के ऊपर रख दिया है और अब मैं इसको पूरा स्मूदन आउट कर रही हूँ। अब स्मूदन आउट करने के बाद बबल्स वगैरह हट जाएं, उसके बाद आपको क्या करना है, जो ऊपर हमने थाली लिया था जिसके बैक पे हमने ऑयल लगाया था उसको हम इस पे रखेंगे एंड थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो उस प्रेशर के लिए मैंने वही वाला बाउल जिसमें मैंने सीमेंट को मिक्स किया था वो मैंने रख दिया और यहाँ पर मैं टेप लगा रही हूँ साइड्स में ताकि जो मेरा प्लेट है वो शिफ्ट ना हो एंड
तीन दिन में ये ड्राई हुआ था। अच्छे से ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पर सैंड पेपर की हेल्प से इसको स्मूदन आउट कर रही हूँ। एंड आप देख ही सकते हो किस तरह का शेप आ गया है। आप इसको एज ए ट्रे यूज़ कर सकते हो। नाउ मैं यहाँ पर चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ इसको पेंट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने चॉक पेंट यूज़ करना स्टार्ट किया है। आप इवन एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑयल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि आप मैट पेंट ही यूज़ करें, इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैं पेंट यूज़ कर रही हूँ। कुछ कुछ हल्के हल्के से आपको बबल्स दिखेंगे, होल्स दिखेंगे, वो सीमेंट का टेक्सचर ही ऐसा होता है। तो मैं उसमें अच्छे से कलर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो जो सीमेंटी कलर है वो ना दिखे। यहाँ पर अब मैं ये डेकोपाज नैपकिन यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने इट्सी बिट्सी से परचेस करा था ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल पहले, फिर कभी यूज़ नहीं करा। तो ये इस तरह से होता है, सेम प्रिंट होता है चारों तरफ। तो इसका मैं एक पार्ट कट कर रही हूँ। ये जो डेकोपाज होता है इसमें आप कभी भी सीज़र यूज़ नहीं करते हैं। रफ़ लुक लाने के लिए, हमको नेचुरल लुक लाने के लिए ऐसे हाथ से कट करना होता है, बहुत सिंपल होता है। और ये तीन लेयर में होता है। तो इसका जो फर्स्ट लेयर है वो आपको निकाल देना है, जो नैपकिन है उसका फर्स्ट लेयर आपको निकालना है। नाउ आप देखिए कितना ट्रांजीसा हो चुका है। तो अब मैं क्या करके रख के देख रही हूँ कि मुझे कौन सा पार्ट कहाँ रखना है। तो मैं ऐसे कट कर करके उसको रखना स्टार्ट करूँगी। ये डेकोपाज का मेथड होता है, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट एट इट, बट मैंने काफ़ी सारे इसके वीडियोज़ देख रखे हैं और मेरे को काफ़ी मन था डेकोपाज करने का। एंड फाइनली मुझे मौका मिला है डेकोपाज करने का, मुझे इसमें काफ़ी मन था इस ट्रे पे मैं वही करूँ। तो इसको मैं, आप देखिए, बिल्कुल रफली तरीके से हाथ से नैपकिन को धीरे 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 कट कर रही हूँ और निकाल रही हूँ। बहुत इजीली निकल जाता है ये हाथ से। तो इसको आपको रफ लुक और नेचुरल लुक लाने के लिए इस तरह से करना पड़ता है। यहाँ पर अब मैं मॉड पॉज ग्लू यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने अमेजन से परचेस किया था। तो इसको मैं एज अ बेस लगाने वाली हूँ और इसके ऊपर जो मैंने नैपकिन्स को निकाला है, जो टुकड़े निकाले हैं, वो मैं लगाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया है और इसको लगाने के बाद मैं अगेन वो जो मॉड पॉज है उसके ऊपर ब्रश की हेल्प से स्प्रेड करूँगी। ये हमारी जो ट्रे है वो ऑलमोस्ट बनके रेडी हो चुकी है। आप इसको एज अ डेकोरेशन पर्पस, सर्विंग पर्पस या टेबल के सेंटर में रख के, प्लांटर रख के यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पर कुछ बॉटल्स ली हैं प्लास्टिक की। ये अमूल मिल्क की बॉटल्स हैं, तो इनके मैं यहाँ पर होल करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने चार होल करे हैं और उसमें यहाँ पर इस तरह से जो वूलन वाला थ्रेड होता है, जो ऊन जिसको बोलते हैं, उससे मैंने बांध दिया है। यहाँ पर मैंने एक प्लैंक लिया है जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, उस पर मैंने इस तरह से रोप लगा दी है। अब मैं इन चारों बॉटल्स को, चार नहीं आई गेस पाँच बॉटल्स हैं, यस पाँच बॉटल्स को इस पर इस तरह के शेप में, मतलब लगा दूँगी, हैंग कर दूँगी। और हैंग करने के बाद ये हमारे एक तरह के DIY प्लांटर बन जाएंगे।
DIY के लिए मैंने यहाँ पर अगेन एक और प्रिंकल का बॉक्स लिया है। इसको मैं कट करूँगी, तो मैं कुछ अलग अलग बॉक्सेस को अलग अलग शेप में कट करने वाली हूँ। अब हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैं यहाँ पर रोप लगाना स्टार्ट करूँगी, मतलब इसके आजू बाजू पूरा राउंड 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 रोप से स्टिक करूँगी इसको। तो आप इसको एज अ ब्रश स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, किचन के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पून स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है स्पैचुला के लिए रख सकते हैं। For my video, I hope you really like this video. If you do so, then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. मैं मिलती हूँ आपको मेरे next video में। Till then, bye.